जय बाबा श्री मनीमेश जी की। जय बोली जी की। जय बोलना सर। हम भरमौर पहुंच गए हैं। पहुंच गए भरमौर। चंबा से कैसे आए भरमौर? चंबा से बस से हैं। जो सरकारी बस होती है? हाँ जी। हाँ, कितना किराया लिया? किराया उन्होंने कितना लिया था? 130 रुपए। तीनों बंदे का? नहीं, एक बंदे का, तीन बंदे के 390 बन गए। अच्छा, एक बंदे का। अच्छा, काफी टाइम लग गया। कितना टाइम लग गया आपको चंबा से भरमौर आने में? चंबा से भरमौर सात बजे चले गए वहाँ, 7 बजे के आसपास। हाँ है ना। अभी मौसम कैसा है वहाँ पे? मौसम बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया ना। अभी आपने देखा वो रूम जो मैंने बताया था आपको होटल के साथ में, भैया का जो है? हाँ जी। आप बस स्टैंड पे उतरे होंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, बस स्टैंड पे। बस स्टैंड के बिल्कुल जैसे सामने खड़े होंगे तो उल्टे हाथ की तरफ एक होटल बना हुआ, नीचे ढाबा सा, एक परचून की दुकान है, ऊपर कमरे बने हुए दिख रहे हैं आपको? इधर वैसे हम नीचे को आ गए हैं, नीचे को एक जैसे गेट है ना भरमौर का, ऊपर परमानी माता को जाने वाला। नहीं नहीं, वो तो लगे। हाँ, उससे नीचे को आया। नीचे को आ गए हैं। हाँ, नीचे को आके आपको बस स्टैंड के साथ में होटल दिख रहा है? बस स्टैंड के साथ वो थोड़ा पीछे होगा फिर तो। कोई बात नहीं, आप वैसे किसी को पूछ लो कहीं रुकने की व्यवस्था कहाँ पे। यहाँ पे 400-500 रुपए में रूम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती ना। अच्छा, कैसे पूछ लें? हाँ, मेरी बात सुनो, बोलो हमें ना आज के लिए रूम चाहिए, बस आज के लिए। तो अभी आज के लिए? हाँ, आज के लिए मतलब 12-13 घंटे की रूम जो चाहिए। अभी जाओगे ना, आप थके आ रहे हो। हाँ जी। अपने अपना नहाओगे धोओगे, एक आधा घंटा आराम करना। जी सर। उसके बाद फिर जैसे अपना एक या 2 बजे, मौसम साफ है ना? मौसम बारिश वाला तो नहीं है? नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया मौसम है। हाँ, तो एक काम करना, तो एक काम करो, नहा धोके ना भरमाणी माता को निकल ही जाओ फिर ना। कपड़े वपड़े रख के, पैसे मत रखना रूम में, और भरमाणी माता जी के निकल जाओ पैदल पैदल, अपना पहाड़ी चढ़ के आराम आराम से खाते पीते। वहाँ पे बीच बीच में छोटी मोटी दुकानें मिल जाएंगी आपको ना। जी सर। और फिर भरमाणी माता जी के दर्शन करके आओ, है ना? ठीक है। और दर्शन करके जब नीचे आओगे तो बताना क्या टाइम है, फिर मैं बताऊंगा आपको आगे जाने का है कि नहीं है। ठीक है? ठीक है सर। तो एक बार मुझे भी व्यू की वीडियो बना के भेज देना भी कैसा मौसम है वहाँ की, एक मिनट की है। ठीक है सर। फोन को सर, ऊपर ऊपर तो नहीं कोई दिक्कत आएगी? मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कोई पूछे कहाँ से आए हो, बोलो भरमाणी माता के दर्शन करने आए, बस। ठीक है सर। कहाँ थे? कोई मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें होती है। कोई पूछे कहाँ थे जी, 2 हफ्ते से हिमाचल में ही है, कोई रिपोर्ट भी मांगेगा। कौन पूछ रहा है? बोलना धर्मशाला में थे, मेरा नाम ले देना, मेरे धर्मशाला में तो कोई बात भी करेगा मैं बता दूंगा मेरे यहाँ थे। ठीक है, समझ मेरी बात, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बाकी रिपोर्ट तुम्हारे पास है, भरमाणा माता जी के दर्शन करके और फिर नीचे आना। फिर जल्दी आओगे तब भी अच्छा है, आराम से आओगे जब भी अच्छा है, बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है? हाँ हाँ सर, वो तो है। ठीक है। जय बाबा श्री मनीमेश जी की।